कोई उम्मीदवार आता है तो कितना क्या मतलब क्या चांसेस है जीतने का? बोले न, सबका जमानत जब्त होगा, जब्त हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं देगा, कोई चक्कर में ही नहीं है, कोई भी नहीं। इससे बड़ा कोई नेता मुकाम है ही नहीं, कौन देंगे? नहीं दीजिएगा। कारण? कारण महंगाई है, गरीब आदमी मर रहा हूँ भूखल, महंगाई की करे, सब कुछ तो महंगाई है। खाने के लिए कोई देता है न, वो भी आनंद सिंह भी नहीं देता जी। मगर काम जो गांव का है जाते हैं कर देते हैं, काम हो जाता है, कोई तरह का शिकायत नहीं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए इस वक्त मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मनाची गाँव में आ गया हूँ। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या लोगों के मन में क्या है, इस बार विधायक के चुनाव में ये किसे अपना मत देंगे, किसे वोट देंगे। आइए लोगों से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के लोग। क्या नाम हुआ आपका भैया? हमारा जय प्रकाश राय। किसे वोट कीजिएगा इस बार, चुनाव आ गया है फिर से? अनंत सिंह को वोट दबो। अनंत सिंह को ही वोट कीजिएगा, ऐसा क्यों? अब ते बोल बहुत, अब ते बोले के मौका, तो कोई तो कारण होगा ना अनंत सिंह को वोट करने का? कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। अनंत सिंह तो जेल में, तब किसे वोट कीजिएगा? परिवार जेल नहीं है उसका? नहीं, परिवार तो जेल में नहीं है। नीलम देवी खड़ी हो रही है। हाँ, कितना वोट से जीतेगी नीलम देवी? क्या कोई कलम कागज नहीं रखने? कारण क्या है? मन यार कौन सी, हमको कोई खाना देता है जो किसी को वोट देंगे? नहीं, चुनाव आ गया है, भाजपा के तरफ से है, आरजेडी की तरफ से है, किसके तरफ से है? किसी को तरफ नहीं, किसी की तरफ से नहीं। और भाजपा के तरफ से जो कोई उम्मीदवार आता है तो भाजपा को हम देंगे नहीं दीजिएगा? कारण? कारण महंगाई है, गरीब आदमी मर रहा हूँ भूखल, महंगाई की करे, सब कुछ तो महंगाई है। मजदूरी नहीं बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, मजदूरी बढ़वे नहीं करे। अच्छा, तो ग्राम की कहो भाजपा को वोट दे? आपके गांव के बगल के विजय सिन्हा है, भाजपा में है, लखीसराय के हैं, तो लखीसराय से खड़ा होता है। लखीसराय तो क्षेत्र हुआ ना, लेकिन घर तो इनका यही हुआ बादपुर, खड़ा होता है लखीसराय से। उनके कहने पे वोट नहीं कीजिएगा? नहीं, आनंद सिंह का वोट टोटल पड़ेगा। किसका? आनंद सिंह। ऐसा क्यों, क्या नाम हुआ आपका? हम विलास पासवान। तो क्या मतलब आप किसको कीजिएगा वोट? एकदम मुंशी को, आनंद सिंह को। हाँ, जी, कोई खास वजह? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं है। अच्छा आदमी है, हम लोग को काम जब जाते हैं काम कर देता है बढ़िया। अच्छा, खाने के लिए कोई देता है न, वो भी आनंद सिंह भी नहीं देता जी। मगर काम जो गांव का है जाते हैं कर देते हैं, काम हो जाता है, कोई तरह का शिकायत नहीं। तो अभी तो आनंद सिंह अब जेल में चल गए, अब किसके पास जाइएगा? पत्नी खड़ा है ना भाई। अच्छा, आते हैं जाते हैं, जो मरता है उसको पैसा तैसा फलना चिलना देखते हैं, सब ढंग का मदद मिलता है। हाँ जी, चलिए एक दिन टंस अनहार में नहीं रहते हैं, आज जाते हैं बिहान टंस फरमाया आ जाता है। कहीं ना वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? फुले नमहतो। आप किसको वोट कीजिएगा? आनंद सिंह। आनंद सिंह की। कारण? कारण की जो काम के लिए जाते हैं तुरंत होता है काम। तो दूसरे को अगर जो मौका दीजिएगा, कोई उम्मीदवार और आएगा तो फिर उसको ओकर काहेल देवे, वो कामे ने करा है तो काहेल देवे ओकर। आनंद सिंह काम करते हैं? हाँ जी, पूरा काम करते हैं, एक दिन में तो फरमा दे दिए। अच्छा, आनंद सिंह का वोट देंगे, उन्हीं को वोट कीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम जी शंकर महतो। तो उन्हीं को वोट कीजिएगा? हाँ, उन्हीं का वोट। कोई खास वजह? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं, बस प्यार है उनके लिए। तो एक बात बताइए, आनंद सिंह तो इस बार जेल में है, तो नीलम देवी जब खड़े हो रही है, कितने वोट से जीतेंगी वो? आनंद सिंह इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या बताए इके बतवा है कि कितना वोट से जीते? नहीं जी, मतलब जिस ढंग से आनंद सिंह को सब जनता प्यार दे रही थी, तो नीलम देवी को प्यार उतना मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, उतना मिल जाएगा। और दूसरा कोई उनको टक्कर देने के लिए है या नहीं है? अब है कि नहीं है सो तो हमको क्या पता, अभी तो विद्यार्थी का क्लियर ही नहीं हुआ। अच्छा, क्या बोले? कोई नहीं टक्कर देगा, कोई टक्कर नहीं देगा, कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई भी नहीं। दूसरा कोई उम्मीदवार चक्कर में है ही नहीं उनके? कोई नहीं। 75% उतरे वोट पर। क्या भैया? 75% अनंत सिंह का वोट पूरा मनाची, पूरा मनाची। क्या नाम हुआ आपका? राम बड़ी नाम। आप किसको वोट कीजिएगा? आनंद सिंह का। आनंद सिंह को। हाँ। कोई कारण? कारण बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। हाँ, बहुत कारण। काम हो जाता है? हाँ, जाते हैं ट्रांसफार्मर रोज मिल जाता है जी। आपका क्या नाम हुआ? मंटू। क्या मुखिया जी हैं? ना, नहीं, नहीं। आप किसको वोट कीजिएगा? जो विकास करेगा उसी को मैं वोट। जो विकास करेगा, तो कौन है मन में? चाहे जो जो पार्टी हो, जो पार्टी तो जब तक मौका नहीं दीजिएगा, ये बात कैसे पता चलेगा कि मतलब पार्टी? समय आएगा तब ना मौका दिया जाएगा सर।
तो उम्मीदवार तो हर पार्टी से खड़ा होता है, कैसे चयन कीजिएगा कि किसको कौन अच्छा है? चयन तो आने के बाद पता चलेगा ना कि कौन। बाकी सब लोग तो यहाँ पे अनंतमय कर रहे हैं, आपका क्या है मन में? मन जब समय आएगा तो बताया जाएगा कि मन में क्या है। अभी एक से बात हो रही थी, क्या रहे थे कि 75% मराठी के आदमी सब अनंत सिंह को वोट। समय आएगा तब ना, सबका अपना अपना मत है। अच्छा, सबका अपना अपना मत है। क्या करते हैं आप? दुकान है। क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद आलम। तो आप किसको वोट कीजिएगा? नीलम देवी। नीलम देवी को जी। सब मतलब सब अनंत सिंह जी। कोई खास वजह? बहुत वजह है, काम होता है, काम करते हैं। काम भी होता है उनके घर पे, जब भी जाया जाता है चाय पानी कोई भी चीज हो। अच्छा। तुरंत हो जाता है। बोलना आदमी को बोलना का है कि ये आदमी है, ये है, वो है, लेकिन आदमी एक नंबर है। एक नंबर है। इनसे बड़ा नेता जिस काम के लिए जाते हो जाता जी, है जी जी। इनसे बड़ा कोई नेता मुकाम है ही नहीं। कोई नेता नहीं, विरोधी कोई भी रहो कोई उपाय नहीं मुकाम चक्कर का है ही नहीं कोई। बाकी पार्टी से लगता है अगर जो कोई खड़ा होता है क्या होता है, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वोट? क्या मिलेगा, 30% पे रह जाएंगे। बार तो हम अनंत सिंह को करें। अनंत सिंह को ही वोट कीजिएगा, कोई खास वजह? हमारे क्षेत्र का नेता बढ़िया है। तो क्षेत्र के तो और भी जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो भी आप ही के क्षेत्र से आते हैं? उनको हम नहीं पहचानते, किसी को नहीं। अनंत सिंह को वोट करने का क्या कारण है? वो लोग काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार तो वो जेल में है, कैसे काम होगा फिर आप लोगों का? उनका आदमी करता है, कर लेगा। हाँ, कर पूरा उम्मीद है। हाँ, हाँ। आपका क्या नाम हुआ? वही हुआ। हाँ? नाम अनंत कुमार मेरा नाम। आपका भी नाम अनंत कुमार हुआ, तो आप किसको वोट कीजिएगा? अनंत कुमार अनंत सिंह को। हाँ। अनंत कुमार अनंत सिंह को वोट करेंगे। हाँ। क्या कारण है? इतना दिन से उन्हीं का है, उन्हीं के रहेंगे, दूसरे को मौका नहीं मिलेगा? उन्हीं का बटड़े हैं तो उन्हीं के रहेंगे। अच्छा, क्यों पसंद अनंत सिंह आपको? वो अच्छा काम करते हैं, गरीब के लिए मसीहा। गरीब के मसीहा। चलिए, आपका क्या नाम हुआ बाबा? डीएन मेहता। आप किसको वोट कीजिएगा, क्या मन में चल रहा है? चुनाव आ गया है, मन में यहाँ जो है ना महागठबंधन का ही उम्मीदवार है जी। अब महंगाई बेरोजगारी अब वीर सेना वाला जो सब किया है ना भाजपा, इसीलिए युवक जो है सब बेरोजगार है। अच्छा। यहाँ सबसे बड़ा टाल का समस्या है, समझे ना जी। अभी भी पानी भरा हुआ है, कोई महागठबंधन का सरकार बोला तो है। क्या लगता है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीत पाएगी? अरे इसका श्योर है, महागठबंधन में ना कोई है टक्कर देने वाला कि नहीं? कोई टक्कर देने वाला नहीं है, सबका जमानत जब्त। कितना वोट जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब्त हो। कितना वोट से जीतेंगे नीलम देवी? हम बोल दिए ना आपको कि उसके पास जातीय समीकरण में भी महागठबंधन एक नंबर में है, और उसके बाद जदयू का सपोर्ट उसके पास है। पहले तो अकेले जीत लिया था ना, जदयू का सपोर्ट उसके पास में है, राजद का सपोर्ट है, वामपंथी का, देख लीजिए। मतलब महागठबंधन की सरकार में जितने लोग हैं सब उन्हीं के साथ झंडा देख रहे हैं, तो महागठबंधन का हम अथी है, एक अंग है, इसलिए दूसरा का कोई ऐबे नहीं आएगा। तो भाजपा की तरफ से मान लीजिए कोई उम्मीदवार आता है तो कितना क्या मतलब क्या चांसेस है जीतने का? बोले ना सबका जमानत जब्त होगा, जब्त हो जाएगा, सबका जमानत जब्त होगा। कोई भाजपा नहीं मुकाम, कोई भाजपा नहीं। तो क्या मतलब अनंत सिंह है या फिर पार्टी में है तो उनके तरफ से? नहीं पार्टी में है तो ऐसे भी अनंत सिंह निर्दलीय भी रहते तो अनंत सिंह, पार्टी में भी है तो अनंत सिंह, उनका ही वोटर है। क्या बताए? दोनों फैक्टर है वो। अच्छा। मतलब व्यक्ति भी है, सहानुभूति जेल में रहने से ना उनकी पत्नी के प्रति सहानुभूति ज्यादा, जेल में रहने से सहानुभूति मिल जाएगा, मिलिए जाता है ज्यादातर जिसका पति मर गया या जेल में है, तो इसलिए उसका हम तो यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सम्मेलन किए पटना जिला का, तब पूरे टाल क्षेत्र का जितना गांव था करीब 23 गांव हम गए और सब लोग यहाँ जमा हुए थे। अच्छा। और गांव में जो हम देखे आम आदमी के जो व्यू था, करीब करीब चर्चा तो हो गया था ना कि आ रही है नीलम देवी, आ रही है, तब जीत तय है उनकी, उसकी जीत तय। चलिए, तो इस वक्त मैं रांची में मौजूद था, आप सुन रहे थे यहाँ के लोगों को क्या कुछ कह रहे थे यहाँ के लोग, सब के सब एक ही धुन में एक ही राग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ही जीतेगी, बाकी कोई भी अगर जो आएगा तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।